क्या मस्त है ना। हेलो पीप्स, वेलकम टू माय सेकंड एंड लास्ट व्लॉग फॉर ऊटी एंड कुन्नूर ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर। सो दिस वाज आवर व्यू फ्रॉम आवर स्टे दैट वाज मैंगो मिस्ट रिजॉर्ट। एंड ये यहाँ के टेरेस से व्यू था। ओ माय गॉड, इट वाज सो प्रिटी कि हमें ऐसा लग रहा था काश हम टेरेस पर ही रह जाते पूरे टाइम, है ना? डोंट यू गाइस थिंक सो? एंड देन इट वाज आवर टाइम टू चेक आउट फ्रॉम आवर स्टे एंड leave for our first destination, which was Dodapeta Peak Point. Safar ye saanson ka toota to nahi haathon se uska chhoota to nahi itni bhi jaldi kya chhoot। सो दिस वॉज दी हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ऊटी जहाँ से आपको पूरा ऊटी दिख सकता है। एंड बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, धूप थी बट यस हवा चल रही थी जिसके कारण वी कुड मैनेज इट बेटर। एंड यस इट वॉज अ नाइस टाइम ओवर देयर। एंड देन वी लेफ्ट फॉर आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज कुन्नूर। सो वी लेफ्ट ऊटी एंड वी लेफ्ट फॉर कुन्नूर फाइनली। इससे हमें ये समझ आया कि ऊटी कुन्नूर का रास्ता टॉय ट्रेन से तो प्रिटी लगता ही है, बट बाय रोड इट इज वेरी ऑसम एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो इसी के साथ हम फाइनली पहुंच गए कुन्नूर। एंड कुन्नूर में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज टी गार्डन। तो यहाँ पर भी एज यूजुअल जैसे बाकी टूरिस्ट प्लेस पे लोग मैनिपुलेट करने के लिए खड़े ही रहते हैं, तो यहाँ पे भी काफी लोग थे क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही फोटोशूट के लिए है जो कि ये लोग पोशाक देते हैं एंड यही लोग फोटोज भी क्लिक करते हैं। बट वी हैड आवर ओन कैमरा तो हमारे लिए एक एडवांटेज था कि हम लोग क्लिक कर सकते थे, ऑल्दो दे वर नॉट अलाउइंग। बट हमारे ड्राइवर भैया इतने अच्छे थे और इतने नोन थे सब लोगों में कि हमें वो मौका मिल गया, तो हम लोगों ने उनसे तो क्लिक करवाया ही कैमरा से। हमारे कैमरा में काफी पिक्चर्स क्लिक करी, हमारे मोबाइल में भी काफी रील्स वगैरह हमने शूट करी एंड लाइक ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड टाइम यहाँ पर। लाइक हमने ऑलमोस्ट लेजेंड एक से डेढ़ घंटा हमने यहीं पे स्पेंड किया। ऑल्दो वो लोग इतना अलाउ नहीं कर रहे थे कि भाई हमारे पोशाक दे दो वगैरह वगैरह, बट नहीं यार, मतलब अब जब आए हो तो पूरे तो मजे करके जानी है ना। तो यही हमने इतनी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करवाई वहां पर। साउथ में कहीं जाओ और आपको रजनीकांत ना दिखे किसी ऑटो या किसी भी गाड़ी पर, ऐसा हो सकता है? तो इसी के साथ वी रीच्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज डॉल्फिन्स नोज। सो डॉल्फिन्स नोज वाज बेसिकली अगेन अ पॉइंट जो कि वाज मेड इन अ शेप ऑफ डॉल्फिन्स नोज एंड दैट्स द रीजन इट वाज नोन एज डॉल्फिन्स नोज। तो अगर आप देखें तो ये जो भी जिस एरिया में हम जा रहे हैं अभी, तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ अ डॉल्फिन्स नोज एंड ये उसका पीक पॉइंट था जहां से अगेन वी कुड सी लाइक कैथरीन फॉल्स एंड देन कुन्नूर का पूरा व्यू। तो इसी एरिया में कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे विच हैड ब्राउनीज एंड मैगी एंड कैरी वगैरह, तो वी हैड दोज ओनली फॉर आर लंच बिकॉज आसपास कुछ ज़्यादा था नहीं, तो फिर अभी के लिए हमने वही लिया। एंड देन वी लेफ्ट फॉर आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज स्ट्रॉबेरी फार्म। प्लांट आप लोग घर में लगाए तो क्या करना है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए और इसमें ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। इसमें ज्यादा गर्मी 22 टू 25 डिग्री लास्ट है। 25 के ऊपर जाएगा तो फ्रूट आएगा, फ्रूट ग्रो भी होगा लेकिन उसमें टेस्ट नहीं रहेगा। कम होगा तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे ग्रो होगा, टेस्ट अच्छा रहेगा। इसको टेम्परेचर जरूरत है,
टेम्परेचर मेंटेन कर रखा तो 2-3 फायदा है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड नहीं होगा और 12 मंथ फ्रूट देगा, फ्रूट भी ज्यादा देगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, इसलिए ग्रीन हाउस हम लोग कवर से टेम्परेचर मेंटेन करता है। और एक्चुअली सर स्ट्रॉबेरी हम लोग मार्केट में सेल नहीं करता है, ओनली प्रोडक्ट बनाता है, हमारा ऑयल टोटल 8 फार्म है, 7 फार्म में अलाउ नहीं है, एक ही फार्म देखने के लिए ओनली अलाउ रखा है, बाकी पूरा फॉरेस्ट एरिया में अलाउ नहीं है। एंड यहाँ हमने टेस्ट करी स्ट्रॉबेरी वाइन्स, सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई टेस्टेड अ वाइन एंड मेरे चेहरे से पता चल गया होगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके टाइम फॉर अ प्रॉपर लंच, क्योंकि भाई साहब मैगी से तो पेट नहीं भरा बिल्कुल भी। तो आफ्टर स्ट्रॉबेरी फार्म वी केम हियर, इट वॉज अ हिल टॉप रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर भी हमने पहले आकर ऑब्वियसली फोटो सेशन किया, रील सेशन किया, एंड जैसे ही हमने वो खत्म किया, जब तक हमने ऑर्डर दे दिया था, वी सॉ कि अ बाइसन वाज रोमिंग अराउंड ऐसे रोड पर, ओ माय गॉड। तो हम सभी लोग वहां पर वही देखने लगे एंड लेजिट हम उसको आधे घंटे सिर्फ ऐसे ही स्टेयर कर रहे थे, हमारा खाना आ गया फिर भी हम उसी को स्टेयर कर रहे कि यार ये कैसे इतना। फिर हमने पापा को भी वीडियो कॉल किया, पापा को भी दिखाया, He was not understanding at first, but then he got it. अच्छा ठीक है, हमारी लड़कियाँ पागल हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक सब बंद हो जाता है। तो वी वेंट टू अवर लास्ट डेस्टिनेशन विच वॉज लैम्स रॉक। यहाँ पर वी कवर्ड 3 पॉइंट्स, वन इज लैम्स रॉक, वन इज स्लीपिंग ब्यूटी एंड तीसरा जहाँ पर बहुत सारे शूटिंग्स हो रखी है। अभी भी दिख रहा है, देख वो चिन दिख रहा है, नोज दिख रहा है, फोरहेड और वो हेयर्स है और ये यहाँ पे बाकी पूरी बॉडी है, बॉडी सारा इधर। थोड़ा फॉग है आज, बिपिन रावत आर्मी चीफ बोलते हैं कुनूर आने वाली है, कुनूर नहीं आया जो फॉग ऊपर आना, ऊपर आना इधर खड़े ना इधर ऊपर। यहाँ से गार्डन बना के यहाँ से नीचे फेंके, वहाँ से नीचे फेंका, अच्छा वो सीन इधर वागे सर गोवा। सुनो सर, हाँ वो गोवा में दिखाया था। सुनो सर ये तो लैम्स रॉक पॉइंट है, लैम्स रॉक पॉइंट है तो पुराना मिलिट्री कैप्टन का नाम है वो। अच्छा वो आके सारा सीन सारा देखा, उसका नाम लैम है, उसका नाम पर लैम्स रॉक रखा लैम। यहाँ से देखना हो तो वो तो मीठपन सिटी, वो तो मीठीपल सिटी है जो इधर यहाँ पर कोयम्बतूर आती है इधर, यहाँ से 80 किलोमीटर। ओके यहाँ पर देखना सीधा लाइन जाती है ना, वो तो ट्रेन का लाइन है इधर, इधर देखना यहाँ पर, हाँ वो दिख रहा है, वो तो ट्रेन का लाइन मेट्रोपल से कुनूर, कुनूर इससे तो एक सीन हुआ था दिल से फिल्म, जो चाहिए नाम यहाँ पर हुआ उसका नीचे तो बस का रास्ता। अच्छा एंड इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू आवर ड्राइवर भैया, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा राइड दिया। सो ही इज बेसिकली एन एम्बुलेंस ड्राइवर, ही ड्राइव्स फॉर द नीलगिरी ट्रैवल्स इन ऊटी एंड कुन्नूर। प्लीज रीच आउट टू हिम इफ यू वॉन्ट टू हैव एन अमेजिंग एंड adventurous ride overall, because he is no doubt a very nice person and a very 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 heavy driver, so you will enjoy it like amazingly. और हमारी ट्रिप होती है यहीं पर खत्म। थोड़ा हमने डिनर विनर किया, उसके बाद our bus was at around 9 PM. तो आफ्टर हैविंग डिनर एंड थोड़ा सा पैक कर लिया था, वी बोर्डेड आवर बस एंड रीच आउट टू बैंगलोर सुबह अगले दिन अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। तो वही हिसीपिटी लाइफ अगेन गाइस, बट या लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ आवर होल ट्रिप। धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा